फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से 3D के जाने का, इधर से 3D शो को देखने के लिए आप इधर से जा सकती है। ये रास्ता है 3D शो में जाने के लिए, तो जा रहे, देखते हैं वहाँ पे हम लोग को टिकट मिलता है कि नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज है। ये 3D शो चालू है कि बंद है अभी? चालू है। कितने का टिकट आता है यहाँ का? टिकट अभी फ्री है। हाँ, टिकट अभी फ्री है। फ्री है? कितने बजे से शो है? 1 बजे से चला है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 तो बज ही चुका है। फिलहाल देखते हैं हम लोग शो में एंट्री लेने का। किधर से हम लोग का टिकट का ये मिलेगा एंट्री लेने के लिए, 3D शो देखने के लिए? 2 बजे से, आधा घंटा। फिलहाल हम लोग एंट्री करते हुए यहाँ। 1 साल से सही नहीं, हम लोग आए थे बहुत दिन पहले तो उसमें टिकट लगा था हम लोग का। साल पहले लगता था। कितना चार्ज लग जाता है इसका टिकट का? तो फिलहाल हम लोग चश्मा लगा के शो के इंतजार शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उड़ा गुरुत्वाकर्षण को झुकलाने की काबिलियत और अंतरिक्ष में पहुंचने की हसरत, सालों से पक्षी अपने इस हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वे उड़ने वाले पहले जीव नहीं थे। और हम जरा पीछे के काल में जाएंगे उन हैरत अंगेज जंतु परिवारों से, जिन्होंने हवाओं में अपनाए बिल्कुल अलग रास्ते और खोज निकाले किसी भी कालखंड में उड़ने वाले कुछ असाधारण गाथा है उन प्राणियों की जो ऊपर उठे और आसमानों पर फतेह पाए। इसी कारण ये भर पाई कीड़ों की दुनिया की सबसे उड़ सकने की योग्यता के कारण कीड़े दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और अब तो इनके कई आकार और आकृतियां हैं। और फिर इन कीड़ों की मुलाकात हुई बिल्कुल अलग प्राणियों के दूसरे समूह से, ऐसे प्राणी जिनके मेरुदंड यानी रीढ़ होती है। जब इस छिपकली के पास भागने की कोई जगह नहीं होती तो ये अपनी त्वचा के फ्लैप को जोड़ों के पास से खोलती है और सुरक्षित सरक जाती है। ये टेरोसॉर्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इसके बाद किस्म किस्म की अद्भुत प्रजातियों ने जन्म लिया। ये टेरोसॉर्स का वंश था।
बड़े पंखों के कारण ये दुनिया में हर युग के विशालतम उड़ने वाले कहलाए। इस नन्हे डायनासोर का नाम माइक्रोरैप्टर था, जो 12 करोड़ वर्ष पहले रहा करता था। हालांकि माइक्रोरैप्टर बहुत हद तक किसी पक्षी की तरह दिखता था, लेकिन क्या यह सच में हो सकता था? खैर, आइए देखते हैं। ये चला समय को रोककर हम देख सकते हैं कि शायद ये उड़ सकता था। अपने पंखों की मदद से यह अंतरिक्ष में उड़ सकता था। अपने सीने की मांसपेशियों की मदद से यह जब मर्जी अपने पंख लगातार फड़फड़ाकर आगे बढ़ सकता था, और शायद पैरों के अतिरिक्त पंख घूमने में मदद करते हैं। आमतौर पर पेड़ों के चारों ओर तो उड़ने वाले सबसे यादगार प्राणी के लिए मंच तैयार है। तो फिलहाल शो समाप्त हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर। हम आपसे अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाने आए हैं। लॉग आउट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अकाउंट हैक कर लेंगे। वीडियो लाइक कर लिए चाचा? चलिए तो जल्दी जल्दी।